हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डेली क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हीट एनर्जी की वजह से हम सब्सटेंसेस में मैटर्स के चेंजेस देख पाते हैं। ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज का जिससे हमें पता चलता है, थर्मल प्रॉपर्टीज यानी कि हम बात करने वाले हीट की, थर्मल एनर्जी, थर्मल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे भी वर्ड आ जाता है उसको मतलब होता है कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है हीट से। ओके, डायरेक्टली वो रिलेटेड है हीट से। तो इस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि फिजिक्स का है, 11th क्लास का है। तो इसमें हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से, और उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर के डिटेल्स में। तो ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार टच करते चलेंगे, फिर उनको नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल्स में आपको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, ये कौन इंडिकेट करता है, ये हमें पता चलता है टेम्परेचर से। किसी भी रीजन का टेम्परेचर जो है वो बताता है वहाँ का एरिया कितना हॉट है। ठीक है, जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं तो उनका टेम्परेचर हमारा साउथ से या फिर हमारे जम्मू कश्मीर से अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो है हॉटनेस ज़्यादा है। तो टेम्परेचर इंडिकेट क्या करता है कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी एरिया हो वो कितना वार्म है, हॉट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। टेम्परेचर जो है हम किस किस तीन स्केल्स हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, उसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है स्मॉल चेंज इन लीनियर लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। पर डिग्री चेंज, एक डिग्री चेंज करते हैं हम टेम्परेचर पे, तो उससे जो मैटर का जो भी मैटर है उसकी कितना लेंथ चेंज हुआ है, लेंथ में कितना एक्सपेंड हुआ है वो हमें पता चलता है, उसको हम कहते हैं क्लीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वो अल्फा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, यानी दो डायमेंशन चेंज होंगे इसमें, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, यानी स्मॉल चेंज इन द एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री चेंज इन डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका कितना चेंज आया है हमारे एरिया में। ठीक है, तो एरिया जो चेंज हुआ ओवर ओरिजिनल एरिया, तो ये हमें आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, यानी वही सेम अगर हम एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में कितना एक्सपेंशन आया है ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ओके, नेक्स्ट कम्स आउट इज चेंज कोएफिशिएंट ऑफ द रियल एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड। यहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विड की, जिसमें हम कर रहे हैं अब क्या हो रहा है, इंक्रीज या एक्सपेंशन, इंक्रीज इन और स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री चेंज, यानी कि कितना चेंज आया है किसमें, वॉल्यूम में। ठीक है, एक डिग्री सेल्सियस अगर हम हीट प्रोवाइड, मतलब एक डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर देते हैं तो उस लिक्विड में कितना एक्सपेंशन आया है, उसको हम इंडिकेट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के नाम से, और जिसका सिंबल है गामा आर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस एक प्रकार का स्ट्रेस की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेस इज द मेटालिक रोड ऑन द हीटिंग ऑफ इन हीटिंग इफ द टू एंड्स ऑफ द रोड्स आर रिजिड हैव बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट्स। दो जो दो एंड्स हैं रोड्स के, एक रोड ली हमने, उसके दो एंड्स हैं जिसको रिजिड है यानी ठोस है, और दोनों को हमने क्या किया, एक फिक्स्ड एंड के ऊपर जॉइंट कर दिया। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे दोनों एंड्स, बट वो एक्सपेंड नहीं हो पाते, और जो एक्सपेंड नहीं हो पाते उसके जो स्ट्रेस जनरेट होता है हीटिंग की वजह से, उसको कहते हैं हम थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस में क्या हीट, स्पेसिफिक हीट क्या है उस सब्सटेंस की, ये बात करेंगे। तो इसका जो मेन डेफिनेशन है वो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, यानी
कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उस सब्सटेंस को उसका एक डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए. ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिट डिग्री. ठीक है, एक यूनिट मास लिया हमने, उसका अमाउंट ऑफ हीट जिसको रिक्वायर्ड है एक डिग्री टेम्परेचर उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास ऑफ वाटर लेंगे, उसको कम हीट चाहिए होगी उसको उसका एक डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए. जो ऐसा अगर हम बकेट ऑफ वाटर लेंगे तो उसको ज्यादा चाहिए होगा. ठीक है, एक बाल्टी भर के पानी का ज्यादा टाइम लगता है हीट होने में और उसका डिग्री ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने में, वेरस ग्लास का. ठीक है, थर्मल कैपेसिटी की बात करते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन. तो थर्मल कैपेसिटी भी लेयर की सेम है, थर्मल कैपेसिटी बात करता है हमारा. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो उसको जो हीट चाहिए उसको कहते हैं हम थर्मल कैपेसिटी. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ हीट हम उसको प्रोवाइड करें उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी. यहाँ पे मास इन्वॉल्व है, यहाँ पे मास कोई भी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वाटर इक्विवेलेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वाटर इक्विवेलेंट. तो वाटर इक्विवेलेंट इज द मास ऑफ द वाटर इन ग्राम व्हिच वुड बी एब्जॉर्ब और रिवॉल्विंग द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज डन बाय द बॉडी इन रेजिंग और फॉलिंग डाउन द फॉलिंग थ्रू द सेम रेंज ऑफ द टेम्परेचर. यानी द मास ऑफ लिक्विड, जो हमने लिक्विड लिया है इसमें अभी मास ऑफ लिक्विड वाटर इक्विवेलेंट है तो इस बात लिक्विड की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है. तो मास ऑफ वाटर इन ग्राम, जो हमने वाटर का मास लिया है ग्राम्स में, विच वुड एब्सॉर्ब, यानी या तो वो एब्सॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा, या फिर इवॉल्व करेगा यानी छोड़ देगा द सेम अमाउंट ऑफ हीट, उसी अमाउंट की हीट में हीट एज इज डन बाय द बॉडी, जितनी उस बॉडी को राइज करने या फॉल करने में चाहिए थी डिग्री. ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ जो एक मास ऑफ वाटर रहेगा जो ग्राम्स में, जो उसको इंक्रीज या तो वो क्या करेगा हीट एब्सॉर्ब कर लेगा या इवॉल्व कर देगा यानी निकाल देगा उसी टेम्परेचर उसी एक डिग्री को, उसी हीट को जो उसको चाहिए एक डिग्री इंक्रीज करने में या एक डिग्री डिक्रीज करने में. ठीक है, उस अमाउंट जो हीट को जो निकाल देता है उसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट. ठीक है, वॉट लेटेंट हीट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, बट एक बार हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जो लेटेंट हीट के जो डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है एक सब्सटेंस को इसका स्टेट चेंज करने में. ठीक है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी या तो वो सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है लिक्विड टू गैस या लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है और वेपर में विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर, यानी उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है. हमने उसका कोई टेम्परेचर को उसको कोई हीट नहीं किया है बट उसका क्या हो रहा है चेंज आ रहा है. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, यानी जैसे हमने बर्फ है, बर्फ का कोई टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया फिर बर्फ को छोड़ दिया उसी टेम्परेचर के ऊपर, बट वो बर्फ क्या होती है मेल्ट आउट हो जाती है लिक्विड में बन जाती है. तो द अमाउंट उसमें उसने क्या किया है वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है. क्या किया हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब किया है. तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, स्टेट चेंज हो गया उसका इसमें सॉलिड से लिक्विड में. ठीक है, या लिक्विड से गैस में भी हो सकता है विदाउट एनी चेंज इन द टेम्परेचर. हमने उसके टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं किया बट उसका स्टेट चेंज हो गया कुछ अमाउंट ऑफ हीट एंड हीट एनर्जी गेन करने से. ठीक है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट, जो हीट उसने ली है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कुछ और, तो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जिनको हम ओवर थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर के डिटेल्स में जाएंगे वन बाय वन करके. कुछ लॉज रह गए जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. चलिए ठीक है, कनेक्टेड रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.